नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया 81 लाइव। कन्नौज में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया गया। कन्नौज बस स्टॉप से लोहिया चौराहा तक परिवहन अधिकारी और कर्मचारियों ने कैंडल लेकर मार्च निकाला। इसके बाद बस स्टॉप का कैंडल लगाकर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। ARTO संजय कुमार झा ने बताया कि दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कन्नौज में भी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। बहुत सही है सर, आते रहिए सर, आते रहिए, चलते रहिए सर, चलते रोड एक्सीडेंट कम बढ़ रहा है, 7.9 क्यों है सर? एक बाइट दे दीजिए, यहीं खड़े होके वृद्धि 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 द्वितीय विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह में आज जो है वो सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की याद में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हम अपने जनपद में सड़क सुरक्षा की संख्या में काफ़ी कमी कर सके और जान माल की रक्षा कर सके। इसमें तो जैसे जिला सड़क सुरक्षा समिति की 6 बैठक होना है साल में, 6 बैठक, वो बैठक हम लोग करा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण करवा रहे हैं, जागरूकता का भी अभियान चलाया जा रहा है, इन्फोर्समेंट भी किया जा रहा है। हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों की जान माल को बचाया जाए। सरकार इसके बारे में काफ़ी चिंतित है, काफ़ी गंभीर है और काफ़ी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।